नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है 8:30, डेट है 14th ऑफ अक्टूबर। आज वीकली कैंडल भी क्लोज हुई है क्योंकि कल अपने यहाँ दशहरा की छुट्टी है, तो दशहरा के लिए सबको पहले से ही एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फैमिली को भगवान हेल्थ दे और वेल्थ दे, ठीक है। तो आइए से शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, और कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है नहीं। फिर भी आप करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट लॉस के कुछ जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हूँ। इनके साथ आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर लाइव मार्केट अपडेट पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैं ये सिर्फ फ्री कॉस्ट है कि कोई किसी का पैसा नहीं, और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों। लंका लगी हुई है, मुझे काम करना है और घर जाना है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, मैंने वहाँ पे जरूर अपडेट दिए थे। थैंक यू वेरी मच। अब आ जाइए एनालिसिस पे। कई लोग पूछ रहे हैं कौन सा ब्रेकआउट है, कौन सा ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों ये ब्रेकआउट है, ये रहा, ठीक है। और ये ब्रेकआउट है जब ये चैनल में एक ही बार दिया था, बट दोबारा इसके अंदर एंटर हुआ और आज इसका ब्रेकआउट आया। तो लगवा लीजिए आप अप्रैल से लेके अक्टूबर, कितने महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4, अगस्त, 6 महीने का ब्रेकआउट है, ठीक है, 6 मंथ का। यहाँ से ये पिछले 4 हफ्तों से लगातार कोशिश कर रहा था, 5th वीक में इसने आज ब्रेकआउट दिया है और वीकली कैंडल पे ब्रेकआउट है। अगर मंडे इसके अंदर दोबारा एंटर नहीं होता है और इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता है, तो आप मान के चलिए भैया कम से कम भी 41,000-42,000 के टारगेट हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। और पोजिशनल बेसिस अब जो राइड करना चाहता है, ठीक है, उसका एसएल रहेगा 33,600, जो पोजिशनल बेसिस ऊपर की तरफ राइड करना चाहता है। और मैं आपको और छोटा एसएल अपडेट करूंगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी 38,800 के लगभग है, ठीक है। कल थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी, अगर मैं इसको और लंबा खींचूं तो प्रॉपर आप यहाँ पे, ठीक है, 38,900 बिलो एनी क्लोजिंग आपका पोजिशनली स्टॉप लॉस हो जाएगा। और बैंक निफ्टी के यहाँ से टारगेट 41,000-42,000 तक है। आप देख लीजिए इसने कितने दिनों बाद ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उम्मीद नहीं थी भाई पर दे दिया, ठीक है। तो इसको राइड कीजिए, मजे लीजिए, एसएल आपका पोजिशनल बेसिस ये रह जाएगा। और मंडे के लिए मैं इंट्राडे बेसिस भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये लेवल के नीचे मिल जाता है 39,200, तो आप जो सेम वीकली सीकली खेलते हैं, आप देखिए कितना इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, ये देखिए इसको, इस चैनल को ब्रेक करने में, ठीक है, दिखाता हूँ, सॉरी, इसको मैं 1 घंटे का लगा लेता हूँ तो थोड़ा चार्ट छोटा हो जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वें घंटे में जाके इसने ब्रेक किया और कल तो छू कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये आप ऐसे लगाइए 39,200 के लगभग, 130 के लगभग आता है, 39,130 इसके नीचे ट्रेड कर जाए तो आप निकल जाना, ठीक है। और पोजिशनल बेसिस के लिए ये चैनल ड्रॉ करके रखिए, लेवल मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, 39,900 के लगभग आ रहा है, ये आपका पोजिशनल बेसिस एसएल हो जाएगा। 41,000-42,000 के टारगेट बैंक निफ्टी के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये लगाइए अभी डेली चार्ट, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। और ये ऊपर के 41,000-42,000 के टारगेट फेल हैं, अगर ये मंडे या ऑब्लिक ट्यूसडे को दोबारा इस चैनल के अंदर एंटर कर जाता है, दैट इट मीन इट इज़ ए फेक ब्रेकआउट। वो फेक ब्रेकआउट आते हैं, आईटीसी में कई बार आए, टाटा मोटर में भी पहले कई बार आए। तो आ जाइए अभी निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी की तेजी दोस्तों मतलब अब खड़ी हो जाएगी इसके ऊपर, ऐसे करके ऐसे करके। ये आप देखेंगे ये यहाँ पे मतलब एक तो है ही अपने आप में एक एफिल टावर की तरह ऊपर की तरफ गया 7511 से, ठीक है। यहाँ पे आके ये और खड़ा ही होता जा रहा है, तो अब ये इस लाइन के ऊपर निकल गया, अगर मैं जरा इसको थोड़ा सा, तो फिर तो यार ये फिर तो भैया 20,100-200 पता नहीं कहाँ इसको रुकना चाहिए। बट अपना ईएमए बेस्ड एनालिसिस कहता है
कि भैया अगले एक दो महीने तेजी नहीं हो सकती। भाव प्राइस एक्शन, देखो दोस्तों पोजिशनली मैं आपको ऊपर नहीं खिला सकता, 500 पॉइंट के लिए बाई कीजिए, 600 पॉइंट के लिए बाई कीजिए। मेरी एक्सट्रीम जो हद निकल रही थी निफ्टी की 18,450-480, इससे ऊपर तो मैं भी नहीं जज कर पा रहा हूँ निफ्टी की तेजी को इससे ऊपर, ठीक है बाद में बात कर लेंगे, इससे ऊपर मैं भी नहीं जज कर पा रहा। हाँ नीचे की तरफ 16,500 15,500 की तरफ भी मेरी स्टडी बोल रही है कि नीचे की तरफ आएगा, पर उसके लिए सेल कब करना है कब नहीं करना है उसके मेरी मैनेजर में है, बट 18,400-550 के ऊपर चला जाता है तो भैया सॉरी यार, फिर अपने बस के बाहर है इसके। हाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे 350 के ऊपर निकले इसको बाय कीजिए 450-480 के लिए, ठीक है फिर आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे टेरिटरी में रुक गया अगले वीक तो फिर ये भैया ऊपर की तरफ मैं आपको एक दो दिन के प्राइस एक्शन के हिसाब से जरूर टारगेट बता सकता हूँ दोस्तों, बट तेजी में लंबी नहीं बता सकता। कोई स्टडी कोई लॉजिक नहीं निकल के आ रहा मेरे पास जितना मैंने सीखा है कि भैया ये बिना इस लाइन को छुए, सॉरी ये बिना 10 MA को छुए ये 20,000-21,000 चला जाए, अपने को नहीं समझना आता। और जितना ऊपर जाता जा रहा है उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड वेरी फ्रैंक जो दोनों दिन के गैप बनाए हैं इसने, ये भी ये बहुत बुलिश साइन होता है, ठीक है ये बहुत बुलिश साइन होता है। तो आप ये ट्रेंड लाइन खींच के रखिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है मतलब कोई भी क्लोजिंग, अब 300 कल के दिन ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, 400 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है तो फिर और 200-300 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है जो प्राइस एक्शन कह रहा है, ठीक है। बट पोजिशनली जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मतलब मेरी स्टडी निकल के आ रही है, प्राइस एक्शन बिल्कुल उसके टोटली अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब पोजिशनली जो मैं निफ्टी की एनालिसिस कर पा रहा हूँ नीचे की तरफ मेरी स्टडी निकल रही है। अब वो 12 बजे है तो निफ्टी का जो प्राइस एक्शन जो भाव बोल रहा है वो बिल्कुल 6 o'clock बोल रहा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी तो भैया भाव को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी एनालिसिस मेरे व्यू के हिसाब से सेल साइड 17,960 के नीचे ही निकल के आता है, उससे पहले नहीं निकल के आता, तो शॉर्ट मैं कर नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट करने का प्राइस स्क्रीन पे जब तक आएगा नहीं, और वो आ ही नहीं रहा है। मेरा व्यू है नीचे के लिए, स्टडी है मेरे पास, रिसर्च है जो मैंने शेयर की हुई है, बट स्क्रीन पे प्राइस आ ही नहीं रहा है नीचे के लिए प्ले करने का, ठीक है। तो प्राइस एक्शन फिलहाल ऊपर का है, लास्ट के दो दिन भी मैंने आपको तेजी बोली है। निफ्टी में अगर ये ऊपर निकल जाता है तो और भैया यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से एक दो दिन के लिए तेजी करते रहिए, सेल की फिलहाल ना सोचे, ठीक है। तो ये था दोस्तों एनालिसिस, 400-450 यहाँ तक तो मुझे दिखता है जो मेरी एक्सट्रीम जो मैं सोच रहा था। यहाँ से अगर गिरावट नहीं आती है तो भैया हाथ जोड़ के माफी है, अपने फिर मतलब जज करने से बाहर है निफ्टी, मतलब कितना भागेगा यार, पूरे वेव काउंट वगैरह कितने चेक कर लिए, ठीक है चलो 18,400 इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं, आता तो है 600-650 की तरफ से, ठीक है ये 3-4-5 करके निकालते हैं, आता तो है 600-650, पर 18,500 क्रॉस करके होल्ड करना इट मीन साला 19,000-19,200 की तैयारी है, ठीक है। जो प्राइस बोल रहा है दोस्तों उसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मेरा एनालिसिस के अगेंस्ट ही चल रहा है मार्केट, ठीक है ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो भैया यहाँ पे दिख रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो पोजिशनली मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं फिर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो बाई कर सकते हैं 400-500-600 पॉइंट के लिए। मैं निफ्टी को फिलहाल जब तक 18,500 नहीं क्रॉस होता नीचे की तरफ ही सोच रहा हूँ कि 16,500-16,000 आना चाहिए नवंबर हेड तक। 18,500 होल्ड करके ऊपर टिकने लग गया तो भैया फिर अलग ही जोन है, अलग ही टेरिटरी है फिर, ठीक है। तो ये था दोस्तों, 18,400 होल्ड होना जरूरी है, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी जरूरी है, अदरवाइज फिर देखते हैं मार्केट क्या करता है। मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, जितना मैं अब तक मार्केट को पढ़ पाया हूँ,
मार्केट या तो गिरना चाहिए नवंबर दिसंबर में, ठीक है, अक्टूबर, जो भी अक्टूबर यहाँ बचा आधे से ज़्यादा, अदरवाइज मार्केट को कंसोलिडेशन करना चाहिए 2 से 3 महीने, 1 महीने नहीं, 2 से 3 महीने। वीकली चार्ट पे तो मैं सारे पत्ते यहाँ खोलूँगा, समझाने में मुझे टाइम लग जाएगा, बहुत चीज़ें पेंडिंग है, ठीक है। थोड़ा पीछे का चार्ट पढ़िए, और नया मदर ऑफ बुल रन है, नई चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन तो कह रहा है भाई, तो राइड करिए, ठीक है। बट इसको टेक्निकल्स तो पूरे करने पड़ेंगे, तो कंसोलिडेशन होना चाहिए अगले 2-3 महीने, तेजी तो पल्ले नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। 18,400 के ऊपर क्लोजिंग आए तो भैया 1-2 दिन के लिए बाय करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं बुक कर लेता हूँ, मैं कुछ कैरी नहीं करके जाता, ठीक है। जैसे पहले था कि 16,200 था, तो 16,500 16,800 तक भी दिखा, वहाँ से 17,250 17,300 तक भी समझ में आ रहा था, तो वो 400-500 पॉइंट मैंने बहुत अच्छे बाई में लिए हैं। बट अब मैं अगर बाई कर रहा हूँ तो मैं उसको बुक कर ले रहा हूँ, उसको मैं घर लेके नहीं जा रहा हूँ, ये फ़र्क है। क्यों? क्योंकि लंबी तेजी, बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। प्राइस एक्शन पे जो तेजी दिखती है दिन में, उसको प्ले करता हूँ, वही वहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सेल करने का लेवल जो 17,800 था, वो 17,940-960 के लगभग हो गया है, वो है, वहाँ से नीचे की तरफ बैठा जा सकता है 400-500 पॉइंट के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।